पूरे राजस्थान में किस प्रकार से आंकड़ा बढ़ रहा है, राजधानी जयपुर में किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है, तो आपको एक बार फिर बता दें, प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 815 हो चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे टोंक से संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं फिरोज उस्मानी। जी फिरोज, क्या कुछ अपडेट है? टोंक में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। रविवार को यहाँ 12 लोगों के कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। सबसे पहले यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि 2 अप्रैल को 4 पॉजिटिव के मामले सामने आए थे, फिर 3 अप्रैल को 12 मामले सामने आए, 5 अप्रैल को 3 और मामले सामने आए और 6 अप्रैल को 1 मामला सामने आया। इसी तरीके से 9 अप्रैल को 7 और कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए और 11 अप्रैल को 20 जनों को कोरोना पॉजिटिव होने के मामले आए। वे 12 अप्रैल को 12 और कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आए। अब तक 59 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना जी फिरोज, जानना चाहेंगे किस प्रकार की प्रशासन तैयारियां कर रहा है इस कोरोना से निपटने के लिए, प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या भीलवाड़ा मॉडल वहां लागू किया गया है, क्या कर्फ्यू को ही महाकर्फ्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है या नहीं किया गया है, अभी क्या स्थिति? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो केवल कर्फ्यू से ही काम चला रहे हैं। जिला प्रशासन की हालांकि चिंताएं बढ़ने लगी है अब, क्योंकि ये एक जो अपना बमोर गेट जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जयपुर के रामगंज की तरह हो गया है और यहाँ लगातार मामले मिलते जा रहे हैं। अब तक करीब 38 मामले यहाँ बमोर गेट से मिल चुके हैं और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। टोंक में कर्फ्यू जारी है, शहर में जगह जगह पुलिस की तैनाती है और यहाँ जो बमोर गेट क्षेत्र है संक्रमित, वहां पर पुलिस जाब्ता लगा हुआ है और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा और यहाँ जांच के लिए सैंपलिंग में तेजी कर दी गई है और यहाँ जांच ली जा रही है। हर घर में जाकर सर्वे किया जा रहा है, सैंपलिंग की जा रही है और वहीं जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि 27 जो भवन है सरकारी और गैर सरकारी, उनको अधिग्रहण किया है क्वारंटाइन सेंटरों में बदलने के लिए। जी फिरोज, अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टोंक में कर्फ्यू लगातार जारी है, कर्फ्यू के हालात के चलते लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, प्रशासन ने किस प्रकार की रणनीति बनाई है ताकि लोगों को रसद सामग्री मिल सके, सब्जियों की उनको सप्लाई हो सके? बिल्कुल हर तरीके की पूरी तरीके से सप्लाई हो रही है। जिला कलेक्टर के शर्मा ने डोर टू डोर सप्लाई चालू कर रखी है, आवश्यक जो वस्तुएं हैं लोगों की वह डोर टू डोर जाके दी जा रही है और जो सब्जी वगैरह की जो है वो गाड़ियां वो मोहल्लों में जाकर सबको डोर टू डोर सब्जियां भी दे रही हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे टोंक संवाददाता फिरोज, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार के हालात टोंक में है, टोंक में जिला प्रशासन ने किस प्रकार की व्यवस्थाएं की है, लेकिन फिर भी टोंक में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिवों की संख्या ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आपको एक बार फिर से बता दें, राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 815 हो चुकी है। लगातार आपको बता रहे हैं, राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 815 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं सामने। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने चालू कर दिए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। राजधानी में परकोटा क्षेत्र के अलावा भी बाहरी कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, साथ ही परकोटा क्षेत्र में लगातार महाकर्फ्यू जारी है। आपको बता दें, राजस्थान के कई जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं।
लगातार कोरोना का बढ़ता ग्राफ प्रशासन और सरकार की नींद उड़ा रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस प्रकार से राजस्थान में कोरोना पर काबू पाया जा सके। साथ ही दूसरी चिंता सरकार को, लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए भी सरकार लगातार व्यवस्था करने में जुटी है। प्रशासनिक अमला पूरा इस व्यवस्था में जुटा है। राजस्थान के कई जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे प्रशासन और सरकार की नींद उड़ गई है। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कुल पॉजिटिवों की संख्या 815 हो चुकी है।